इस अपाहिज लड़की को गलती से पता चल जाता है कि जो दवाई वो 20 साल से खा रही है उसके लेबल के नीचे एक और लेबल था, लेकिन वो लड़की ये बात किसी को भी नहीं बताती। रात में जब उसकी माँ लड़की के लिए दवाई लेकर आती है तो वो दवाई को खाने का नाटक करने लगती है और उसकी माँ के जाने के बाद दवाई को चुपचाप से बाहर उगल देती है। आधी रात को वो चोरी छुपे नीचे जाती है और कंप्यूटर में दवाई का नाम लिखकर सर्च करने लगती है, लेकिन उसे जरा सा भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी माँ अंधेरे में खड़ी होकर ये सब देख रही थी। अचानक से इंटरनेट काम करना बंद कर देता है। अगले दिन उसकी माँ बाजार से कुछ सामान लेकर आती है जिसके बाद वो पौधों में पानी देने के लिए बाहर चली जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर वो लड़की दवाई की शीशी पर से दुकान का फोन नंबर और एड्रेस का पता कर लेती है और किसी की नजर में आए बिना उस नंबर पर फोन लगा देती है। लेकिन दुकान वाला उसकी माँ को जानता था, लड़की नहीं चाहती थी कि उसकी माँ को इस बारे में पता चले, इसलिए वो जल्दी से फोन काट देती है। कुछ दिनों बाद वो अपनी माँ के साथ मूवी देखने के लिए जाती है। वहाँ पर बाथरूम जाने का बहाना बनाकर वो एक सुपरमार्केट में चली जाती है और चुपचाप से वहाँ पर काम करने वाली औरत से उस दवाई के बारे में पूछने लगती है। वो औरत बताती है कि ये कुत्तों को दी जाने वाली एक दवाई है जिससे उनके शरीर को पैरालाइज किया जाता है।